नमस्कार साथियों, मैं हूं आरके गुप्ता। एमईजी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 26 और 27 को सॉल्व कराने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ए तथा बी एक कार्य को मिलकर के 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरम्भ करते हैं, परंतु 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी अकेले 24 दिनों में पूरा करता है। पूछा गया है कि ए संपूर्ण कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी मिलकर के काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी अगर काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी द्वारा एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/20। एक दिन में काम कितना करते हैं? 1/20। तो ए और बी मिलकर काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/20। अब ये दोनों जो है मिलकर के 4 दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक ए और बी मिलकर के काम करते हैं। उसके बाद ए काम छोड़ देता है, तो बचे काम को बी जो है 24 दिनों में पूरा करता है। तो 4 दिन तक ए और बी मिलकर काम करते हैं, उसके बाद ए काम को छोड़ देता है। काम को पूरा कौन करता है? बी करता है। कितने दिनों में? 24 दिनों में। इस तरीके से कार्य क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है? 1/20 है। कितना है? 1/20। तो 4 दिन का कार्य कितना होगा? 4 में गुणा हो जाएगा 1/20 का प्लस का 24b = 1। तो 4 से कट जाएगा, 4×5 = 20 होता है। तो यहाँ पे 24b = कितना हो जाएगा? 1। ये 1/5 राइट साइड में जाकर कितना हो जाएगा? माइनस का 1/5। तो ये कितना होगा? 5×1=5। 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 4/5। और ये 24 नीचे आके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। नीचे हर में क्या होगा? गुणा हो जाएगा। 4×1=4, 4×6=24। तो बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ? 6×5=30। तो यहाँ पे बी एक दिन में कितना काम करता है? 1/30। तो बी द्वारा लगने वाला समय क्या होगा? 30 दिन होगा, क्योंकि कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोमानुपात में होते हैं। अब क्वेश्चन ये हो गया कि ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी होगी ए प्लस बी की? तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो 60 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 वर्क पर डे। इसका मतलब ये हुआ एक दिन में ए प्लस बी मिलकर के 3 काम कर सकते हैं। और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 30×60। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 वर्क कर सकता है। अब पूछा गया कि ए संपूर्ण कार्य को कितने समय में कर सकेगा, तो हमें ए की एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी ऑफ ए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? हमें पता है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, जिसमें बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। बी की एफिशिएंसी 2 है, इसका मतलब 2 में क्या ऐड किया जाए? 3 हो जाए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी। कितना होगा? 1 वर्क पर डे। अब इसके द्वारा समय कितना लगेगा? तो टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क कितना है? 60। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो कितना समय लगेगा? 60 दिन। तो इसका जवाब क्या होगा? 60 दिन। आइए मित्रों इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि ए और बी मिलकर के काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी द्वारा एक दिन में कितना काम होगा? 1/20। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 दिन तक ये दोनों मिलकर के साथ में काम करते हैं। ए और बी ने 4 दिन तक मिलकर काम किया, उसके बाद शेष बचे हुए कार्य को बी 24 दिनों में पूरा कर देता है। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना? 1/20। तो 4 दिन का कार्य कितना होगा? 4 में गुणा कर देंगे, 4×4=4, 4×5=20। तो 24b = कितना होगा? 1। ये 1/5 दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, कितना होगा? माइनस का 1/5। तो ये हो जाएगा कितना? 4/5, 5×5, 5 में से 1 घटाया 4, 4/5 हो गया। तो यहाँ पे बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4/5, ये 24 इधर आके क्या होगा? हर में गुणा हो जाएगा, 4×4, 4×6=24। तो 6×5 करेंगे कितना होगा? 1/30। तो बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 1/30। तो बी द्वारा लगेगा समय कितना? 30 दिन का। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया कि ए प्लस बी मिलकर के 20 दिन में करते हैं और बी अकेले काम को करता है तो 30 दिनों में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 60। और ये हमारा टोटल यूनिट वर्क कितना हुआ? 60। इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? कार्य क्षमता। तो हम जानते हैं कि कार्य क्षमता क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है।
तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 तिहाई 60। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर के एक दिन में तीन काम कर सकते हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 30 दूना 60। इसका मतलब ये हुआ बी अकेले एक दिन में दो काम कर सकता है। तो हमें पूछा गया कि ए संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी की नीड होगी, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, क्योंकि 2 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, 3, क्योंकि ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी दी गई है, 3। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई, 1 वर्क पर डे। हमें टाइम बताना है, तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है हमारा, 60 है, टोटल वर्क कितना है, 60, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 1 से इसे डिवाइड करेंगे कितना होगा, 60 डेज। तो मित्रों, हम ऐसा उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, ज्ञात कीजिए काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर मान लीजिए एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, तो 40 आदमी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो ये हो गई इनकी क्या, एफिशिएंसी हो गई। अगर एक आदमी की कार्य क्षमता सपोज 1 यूनिट है, तो 40 आदमी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 40 गुणा 1 40 हो जाएगा। और वर्क हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। और ये कितने दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में। ये इनका क्या है, टाइम है, ये क्या है, टाइम। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 40 में 30 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1200। अब प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर काम को चले जाते हैं। तो जब 40 आदमी काम को 10 दिन तक इन्होंने किया होगा, तो कितना काम किया होगा, 400 काम किया होगा। कितना काम किया होगा, 400। फिर उसके बाद अगले 10 दिन में क्या होता है कि 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, तो कितने आदमी बचेंगे, 35। तो 35 आदमी ने 10 दिन में कितना काम किया होगा, 350। आगे कितना होगा, आगे 5 आदमी छोड़ के चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 30। इन्होंने 10 दिन तक काम किया, कितना हो गए, 300। फिर आगे 5 आदमी छोड़ के चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 25। 25 दहम्मा कितना होगा, 250। अब कुल कार्य हमारा 1200 होना चाहिए। 437 750 और 300 कितना हो गया, 1050। 1050 में 250 को जोड़ेंगे कितना होगा, 1300। जबकि हमारा कार्य कितना होना चाहिए, 1200। इसका मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए, तभी इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1200 आना चाहिए। तो यहाँ 150 कब आएगा, जब यहाँ 10 की जगह कितना होगा, 6 होगा। जब यहाँ पे 10 की जगह कितना होगा, 6 होगा। कुल समय पूछा गया, तो कुल समय कितना होगा, 10 10 20 10 30 6 36 दिन। कितना होगा, 36 दिन। तो 36 दिन में आप देख पा रहे होंगे 1200 कार्य क्या हो रहा है, पूरा हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 डेज। आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। तो सपोज मान लीजिए एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, तो 40 आदमी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 40 गुणा 1, और ये कितने समय में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो इनकी एफिशिएंसी में टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वर्क कितना हो गया, 1200। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 आदमी 10 दिन तक काम करते हैं, 40 आदमी ने 10 दिन तक काम कितना किया, 400 किया। फिर 5 आदमी कम हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं, इन्होंने 10 दिन तक काम किया, कितने हो गए, 35 दहम्मा 350। फिर 5 आदमी कम हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 30। 30 आदमी ने 10 दिन तक काम किया, कितना किया, 300। फिर आगे 5 आदमी कम हो जाएंगे तो कितने होंगे, 25, और ये 10 दिन तक काम करते हैं तो कितना होता है, 250। तो हमने वर्क को ऐड किया तो ये हो रहा है 400 350, कितना हुआ, 750। 750 में 300 को ऐड किया, कितना हो गया, 1050। 1050 में 250 को ऐड करेंगे, 1300 हो जाएगा, जबकि हमारा कार्य कितना है, 1200 है। तो क्या यहाँ पे 250 की जगह क्या होना चाहिए, 150। तो 150 कब आएगा, जब इसके लेफ्ट में हमारा डेट 10 की बजाय कितना होगा, 6 होगा। तो 25 में 6 का गुणा करेंगे तभी 150। तो यहाँ पे कुल समय कितना लग रहा है, 10 10 20 10 30 6 36 दिन। और 36 दिन में कितने काम हो रहा है, इसको सबको जोड़िएगा, 400 350 300 150, तो कितना आएगा, 1200। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 डेज। तो मित्रों, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये आपके 26 क्वेश्चन नंबर 26 और 27 का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन वाली बटन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।